हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉर्ड जगन्नाथ एकेडमी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ए न्यू सब्जेक्ट दैट इज योर इंग्लिश ग्रामर। आम आज इंग्लिश ग्रामर विषय स्टार्ट करवा बुझेगा। तेणु इंग्लिश ग्रामर जो आम स्टार्ट करवा आमर बहुत पिलांकर असुविधा थाए इंग्लिश ग्रामर उपरे। तेणु जेहेतु आम स्टार्ट करवा ता पूर्वरु आम किसी बेसिक फंडामेंटल्स आम जाणी नवा दरकार। इंग्लिश ग्रामर उपर किसी बेसिक फंडामेंटल आमको बुझीबार अछि। आम पर्टिकुलर क्लास पे पर्टिकुलर वीडियो बनेबा, बट एबे आम तीन टू पांचटा वीडियो चार्टा वीडियो केवल इंग्लिश फंडामेंटल्स उपर पढ़ेबा। बुझौजे बेसिक फंडामेंटल्स जोटा कि सब क्लास पिला आमर देखिपारे। ओके, तेणु लेट न करी आम चैनल को प्रथम सब्सक्राइब आउ आम वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। ओके, आमे स्टार्ट करिबा इंग्लिश ग्रामर। क्लियर? तेणु मजा नवा समस्ते गोटे कड़ा पाठ बोली आम धरवानी जमारु भी बहुत इजी आउ मजादार इंग्लिश ग्रामर आम स्टार्ट करिबा। बुझेगा? क्लियर? तेणु तुम्हें जिते बड़े भी कौटी तुम परिचय देवाई जाइ कि कौन काम करने जाइ तुम कौन जगह किसी कम अच्छी ताल निश्चित भाव में तुम परिचय से दरकार हुए जोड़ा कि प्रथम स्टार्ट हुए जो तू का पु कि तू का झी से भाया आमको इंग्लीश ग्रामर जिते बड़े पढ़ाऊँ ता पूर्व आम जाना दरकार यार जनक किए। व्हिच इज द फादर ऑफ इंग्लीश ग्रामर। तेणु प्रथम देखा आम जे इंग्लीश लिटरेचर र किए फादर फादर ऑफ आम पढ़ा जेहेतु ताकू जी जन्म कर विषय पढ़ा प्रथम जानवा दरकार तापर आम पाठ पढ़ा स्टार्ट करवा। तेणु फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्या कहवा ना जोफ्रे चोसरे जोफ्रे चोसर जोफ्रे चोसर ये कौतर ना इंग्लिश लिटरेचर रे फादर के ना जोफ्रे चोसर। ओके, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर क्या कहा जाए फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर क्या कहा जाए ना लिंडले मूर ओके आउ गोटे ना सब चिन्ह परिचित ना आड़े समस्ते शुणी थे शेक्सपियर ना समस्ते शुणीच तेणु शेक्सपियर को क्या कहा जाए ना फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा क्या कहा जाए ना विलियम शेक्सपियर ओके तेणु तार जनक विषय आम जाने वर्तमान आम पाठ उपरको जावा एवं बेसिक पूरा रूट रु पूरा रूट लेवल रु आम पाठ पढ़ा आम स्टार्ट करवा पूरा जोटू स्टार्ट इंग्लीश ग्रामर से पूरा स्टार्ट करवा। बुझेगा? तेणु आम देखा जे तुम समस्ते जान समस्त जना थ इंग्लीश कौटू स्टार्ट होता ना मनकर मु कहली लेटर ओके लेटर स्टार्ट होता है ना ना तुम जाथ सब अल्फाबेट अल्फाबेट कौन जान ना नुह लेटर कौन जान अल्फाबेट कौन जान वार्ड कौन जान वार्ड वार्ड क्या कहा जाए सेंटेंस क्या कह जाए जान तेणु पूरा रूट लेवल जावा। ओके, तेणु लेटर क्या कहा जाए मनकर मु कहली ए मनकर मु कहली बी मनकर मु कहली के मनकर मु कहली जी या गोटे लेटर कह गोटे लेटर कह गोटे लेटर कह गोटे लेटर कह तेणु इंडिविजुआल ए गुड़ाक प्रत्येक आम लेटर बोली कहवा तुम कहते हो सार ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड युड़ाक सब कौन कह जाए से जो टोटाल ग्रुप कथा कहगला ए ठाकू स्टार्ट करी जेड पर्यंत
से ग्रुप को आम टोटाली कौन कह आलफाबेट बोली कह बुझे ना ना तेणु तुमको जब जन पचार हाउ मेनि आलफाबेट्स आर दे आर इन इंग्लीश ग्रामार ताल तुम कौन कह वन आलफाबेट तुम गुगुल कर बुझे ना ना तेणु हाउ मेनि आलफाबेट इन इंग्लीश ग्रामार जब पचार तुम कह वन कह कौन जब पचार कौन है तुम स्टार्ट कर ए बी सी डी ई एफ जि एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड र ग्रुप को आम आलफाबेट बोली कह बुझेगा तेणु क्या कहु ए बी सी डी अप टू जेड समस्त जाक मिसाइले जाकि आलफाबेट कहु जदि मु कह खाली ए बी सी के एल एम ये कौन कह ना इंग्लीश लेटर्स कह कौन कह इंग्लीश लेटर्स कह नॉट अल्फाबेट अल्फाबेट कह इंग्लीश लेटर्स ये सब कह अल्फाबेट क्या कह ग्रुप को आम अल्फाबेट्स बोली कह वर्ड क्या कह ना किसी आम जदि लेटर को कंबाइन करी वर्ड बनाऊे मन कर मु कहली जे एक्स टी जेड ए के वाई बी सी एक्स पी बुझेगा मु कहली जी आर ओ डब्ल्यू मु कहली पी एल ए वाई बुझेगा तेणु ये पांचटा तुमको एग्जांपल देली पांचटा रु क्या वार्ड बोली कह क्या आम वार्ड बोली कह क्या वार्ड बोली कह कौगुड़ा को सब वार्ड बोली कह ना ग्रो को आम वार्ड कहीपर प्ले को आम वार्ड कहीपर आउ क्या वार्ड कहीपर ना ये तीन टा को आम गोटे 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 वार्ड बोली कहानी कौन पाई ना एमाने किसी निर्दिष्ट अर्थ प्रकाश करूना इंग्लीश इंग्राजी कौन सी निर्दिष्ट अर्थ प्रकाश करूना तेणु एमान को कौन कह वार्ड इंग्लीश वार्ड एम को कह कौटा या कह बुझेगा तेणु आम जदि वार्ड को डिफाइन करवा कौन लिखिपर ना मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वार्ड जो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन करा जाओ जी लेटर मान को मिसेगिन ताकर किसी मीनिंग गोटे आम बाहर करू जी ताकर किसी अर्थ आम बाहर करू जी ताहले ताकू कौन कहवा वार्ड कहवा प्ले गो ड्रीम बाइक कार एगुड़ा सब आम कौन कहवा ना इंग्लीश ग्रामार रो इंग्लीश वार्ड बोली कहवा बुझेगा ना एगुड़ा कौन कहवा वार्ड बोली कहवा बुझेगा मन इच्छा आम दुई चारिटा लेटर को लिखि दे कि आम वार्ड बोली कहीपर ना क्लीयर तेणु नेक्स्ट क्या ना सेंटेन्स को मन कर मु कहली जे प्ले क्रिकेट राइस ईट आई ओके मुकू कह प्ले क्रिकेट आई ईट राइस ताले जो चारिटा सेंटेंस मु लिखिली ए चारिटा सेंटेंस रु करेक्ट कोडा और रॉन्ग कोडा ठीक कोडा भूल तुम्हें बाहर कर जानी थो निश्चित भाव देखिकी तुम्हें जापार जे कोडा भूल अच्छी कोडा ठीक अच्छे बुझे ना ना ये आमर कौन अच्छी रॉन्ग ये आमर कौन अच्छी रॉन्ग ये कौन अच्छी राइट ये कौन राइट ठीक बुझेगा ना ना तुम मन में क्वेश्चन उठू थ सार एठी तो प्ले अच्छी एठी मध्य प्ले अच्छी एठी क्रिकेट अच्छी एठी मध्य क्रिकेट अच्छी एठी उई अच्छी एठी उई अच्छी ताहले एमाने तो तीन जन तीन टा वार्ड
एपटर अच्छा से सामान वार्ड तीन टा एपटर अच्छा असुविधा कौटे भूल कौटे ना भूल कौटि भूल ना इंग्लीश ग्रामर रिचि नियम अच्छे जो नियम को मानिकी वार्ड मानक चलवाक पड़ो तेणु से मानम मानिकी जदि लिखाजी नियम अनुजाई इंग्लीश ग्रामर रियम अनुजाई जदि आम लिखा ताहले जाइकी आमर सेंटेंस ठीक अच्छे बोली कहजी जदि से वार्ड गुड़िक इंग्लीश ग्रामर रियम मानु नथिबे ताहले ताकु सही सेंटेंस को बा सही वाक्य को रंग अच्छी बोली बा भूल अच्छी बोली कहजी बुझे ना ना तेणु तुम्हें बुझिपे जे इंग्लीश ग्रामर पढ़ा आमर कौन दरकार कौन कौन दरकार अच्छे इंग्लीश ग्रामर तेणु आमको ठीक भाव गोटे वाक्य को इंग्लीश रे लिखापी गोटे सेंटेंस को निर्भुल भाव में इंग्लीश रे लिखापी आम कौन दरकार होता है ना इंग्लीश ग्रामर उपर आमर नलेज दरकार होता है इंग्लीश ग्रामर र्ञान आमको दरकार होता है बुझिपना ना तेणु युवाक सब निश्चित भाव में गोटे गोटे नियम बंधा बुझेगा तेणु क्या कहना सेन्टेन्स क्या कहवा जदि या सेन्टेन्स कहन कहीं ये इंग्लीश ग्रामर रियम मानुनि या सेन्टेन्स कहन कहीं ये इंग्लीश ग्रामर रियम मानुनि या सेन्टेन्स कहन्टेन्स कहीं मैंने इंग्लीश ग्रामर रियम मानुंट बुझे ना ना तेणु कौन हो ना जदि ये गोटे निर्दिष्ट अर्थटे प्रकाश करुच कि वार्ड मिसिकी किसी निर्दिष्ट अर्थटे प्रकाश कर कौन कह वाक्य बोली यार अर्थ कौन है जे आम क्रिकेट खेलु यार अर्थ कौन है मु भात खाए बुझे ना से निर्दिष्ट अर्थ प्रकाश करुच बुझेगा ठीक से भाया लिखिपर जे मीनिंगफुल मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस ताले कौन है ना किसी लेटर को मिसेकनी जदि निर्दिष्ट अर्थ प्रकाश होता आम कौन कह वार्ड किसी लेटर को मिसेकनी आम कौन पाइले वार्ड पाइले किसी वार्ड को मिसेकिन जदि से किसी अर्थ प्रकाश करें कौन कह सेंटेंस कह बुझे ना ना तेणु आमर निश्चित भाव में किसी नियम ये अच्छे जो नियम गुड़ाक इंग्लीश ग्रामर वर्तमान तुम्हें सब पढ़ा दरकार है तेणु ता पूर्वर आम जाणिनवा दरकार जे सेंटेन्स जो लिखा जा ये गोटे वार्ड ये गोटे वार्ड ये गोटे वार्ड तेणु ये इंग्लीश वार्ड गुड़ी किसी तर ना कि दि जाइए किसी भाग कर टर्म किसी भाग कर काम को लेकिन एम को भाग कर बुझे जहाँ को आम कह कौन ना पार्टस अफ स्पीच कि पार्टस अफ ए सेन्टेन्स कहते बुझेगा गोटे सेन्टेन्स रार्ट बा गोटे वाक्यर पार्ट कि कौन सी कथा आम कह गए बाणीटे कहले तार सब पार्ट को आम पढ़ा दरकार चिन्हवा दरकार से मानकर यूज आम जापर व्यवहार जापर बुझिपाल कि बुझिपाल यार अर्थ है जे या कौन कह जाए या कौन कह जाए या कौन कह जाए बा इंग्लीश वार्ड रो कौ ग्रुप रु ये आसी इंग्लीश वार्ड मानकर कौ ग्रुप रु ये आसी इंग्लीश वार्ड मानकर कौ ग्रुप रु ये आसी आम चिन्हवा दरकार चिन्हले आम ठीक जगार तार व्यवहार कर बुझे ना चिन्हवा कि ना पार्टस अफ स्पीच विषय जदि पढ़ा तेल कौन ना से कतेटा पार्ट अच्छी कौन कौन अच्छी ता विषय आम पढ़ले जापर बुझेगा तेल या लिभ हो समस्त यहां लिखने ल एक्जामपल ये हूँ एक्जामपल लिखि एक्जामपल जो मैंने लिखि लिखि एक्जामपल युवा सब लिखि बुझेगा तेणु नेक्स्ट पार्ट्रे आम पढ़ु कौन ना पार्टस अफ स्पीच पढ़ुंट लिभोजी या स्क्रीन पज कर जहाँ भी लिखाही सब गुड़ा को लिखि ओके तेणु नेक्स्ट पार्ट कौन ना आम सेंटेंस लिखा पूर्व वाक्य लिखा पूर्व वाक्य वार्ड गुड़ाक चिन्ह ना दरकार तेणु वार्ड गुड़ी को चिन्ह पारे पी क्या कौटी लिखा ता नियम विषय पढ़वा मोदा बुझेगा ना वार्ड गुड़ाक चिन्ह ना प्रथम क्या कौन कह जाए
ताकू चिन्ह सरला परे आमे तापरे कहा विषय पढ़ा ना से सजाई लिखा और वाक्यटी आम करेक्ट हे ता विषय पढ़ा ताल आम प्रथम बर्तमान चिन्हा से वार्ड गुड़ी चिन्हा आम तेणु कौन ना ता विषय आम पढ़ा कौन कहा जाए पार्टस ऑफ स्पीच किंबा आपको कहा जाए कौन पार्टस ऑफ ए सेंटेंस पार्टस ऑफ स्पीच कि पार्टस ऑफ ए सेंटेंस बुझेगा ताले केतेटा पार्ट थाए साधारण तो आठटा पार्ट रे भाग कर इंग्लीश ग्रामर रो वर्ड गुड़ा को आठटा पार्ट रे भाग कर ताकू जदि साधारण भाव में आम इजिली कह कौन ना आठ भाग रे विभक्त कर बुझेना आठटा ग्रुप रे भाग कर कौन कौन से आठटा ग्रुप ना प्रथम हूँ कौन फास्ट वन कौन तुम नाउन प्रथम टी कौन नाउन सेकेंड कौन प्रोनाउन बुझला ए पार्ट्स ऑफ स्पीच रे अंडर रे माने केतटा भाग कर दै छी ना नाउन अछंदी किछि वर्ड को आमे प्रोनाउन कहिबा किछि वर्ड को आमे नाउन कहिबा किछि वर्ड को आमे प्रोनाउन कहिबा किछि वर्ड को आमे एडजेक्टिव कहिबा किछि वर्ड को आमे कोन कहिबा वर्ब आउ किछि वर्ड को आमे कोन कहिबा एडवर्ब आउ किछि वर्ड को आमे कोन कहिबा प्रीपोजिशन आउ किछि वर्ड को आमे कोन कहिबा कंजंक्शन कंजंक्शन आउ किछि वर्ड को आमे कोन कहिबा इंटरजेक्शन बुझला आठटा जाक पार्ट को तुम समस्त देखि पड़ो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन ए आठटा पार्ट को तुम समस्त जानी थी समस्ते चिन्ह बुझेगा ना मुझे जेकोसी वाक्य लिखी जेकोसी सेन्टेन्स लिखी से ही सेन्टेन्स जितेटा भी वार्ड थी से सब यही घर कौन सी घर आसी बुझेगा ना मनकर मुझे एग्जाम्पल ने गोटे गाँटे अच्छी ये गाँर ना है कौन इंग्लीश ग्रामर गोटे गाँटे अच्छी गाँर ना कौन इंग्लीश ग्रामर से गाँव में आठटी घर अच्छी से गाँव में कतेटी घर अच्छे आठटी घर अच्छी इंग्लीश ग्रामर जो गाँ हेतर जी आठटा घर अच्छी ठीक से भाई इंग्लीश ग्रामर नामक गाँव में यहाँ आठटी घर अच्छी बुझेगा ना आठटी घर अच्छी प्रथम घर ना कौन नाउन द्वितीय घर ना कौन प्रोनाउन तृतीय घर कौन एडजेक्टिव चतुर्थ घर कौन ना वर्ब पंचम घर ना कौन एडवर्ब षष्ठ घर ना कौन प्रीपोजिशन सप्तम घर ना कौन कंजंक्शन अष्टम घर ना कौन इंटरजेक्शन बुझेगा ना जी गाँव में आठटी घर अच्छे ठीक से भाया यही घर भितर कि लोक रोथे से लोक गुड़िकमर इंग्लीश्र वार्ड यही घर मध्य भी लोक रोथे से लोक मान ना है कौन इंग्लीश वार्ड गुड़िक कि थे बुझेगा ना जी मनकर जनकर टाइटल है षंढ तेणु ताकू सांग मैंने कौन कर डाकबे ना षंढ घर पु डाकबे बुझी ना ना ठीक से भाया ये जो नाउन अच्छी नाउन जो वार्ड गुड़िक सब नाउन घर भितर आई थे आम कौन कह नाउन कहन घर छुआ कहन घर पुओ बोली कह बुझे ना जदि किसी वार्ड गुड़िक आसीदे प्रोनाउन रु ताले प्रोनाउन घर पुओ बोली कह बुझे ना यही घर जी आसी प्रोनाउन कह घर भितर जो मैंने आसी एडजेक्टिव घर पुओ बोली कहे वर्ब घर जी आसी वर्ब घर पुओ बोली कह बुझे ना ना बुझे तो जिन गाँ थाए गाँव में घर के थाए घर भितर पुणी मेम्बर किसी लोक था ठीक से भाला इंग्लीश ग्रामर हूँ आम गाँ आई गाँ भर आठटी घर अच्छी एवं आठटी घर भितर पुणी कि मेम्बर अच्छा बुझेगा तेणु यही घर काम कौन यही घर काम कौन यही घर काम कौन आम बर्तमान पढ़वा तेल नाउन क्या कहा जाए नाउन क्या कहा जाए देख लेख तार डेफिनेशन नाउन डेफिनेशन लिख ए वर्ड
that describes the name, that describes the name of a person, place, thing, event. A word that describes the name of a person, place, thing, event, quality, and emotions. Is called noun. काको नाउन को हगला ना ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द नेम ऑफ ए प्लेस पर्सन थिंग इवेंट क्वालिटी इमोशंस इज कॉल्ड नाउन. तेणु आम जब सहज रेक गोटे सेंटेंस रे कहीकि खत्म कर देबी जहाँ जो सब जिनस देखि पार जदि जते सब ना ताको आमे नाउन कहिबा जो जिनस भी आम देखि पार जदि ताको आमे नाउन कहिबा किछि अदृश्य जिनस थाए जो इमोशंस बोली कहा जाए जिनकि खुशी हस बुझे ना दुख यू गुड़ाक भय यू गुड़ाक कौन कह जाए नाउन कह जाए एवं जहाँ सब जिनस देखिपर से जिनस गुड़ाक कौन कह जाए नाउन कह जाए जिनकि देखिपर जी कौन गोटे लोक को आम देखिपर जी पर्सन पर्सन यो पर्सन को जब मुझे एलाबोरेट करके लिखी देख या लिखला जो एग्जांपल दूँ या लिख ताले पर्सन मैंने आम कौ गुड़ाक कह जिते सब ना हरि गोपाल जैक जॉन रवि एंड चार्ल्स ये सब ना जिते अच्छी ये ना गुड़ी को आम कौन कह नाउन कह बुझे ना नहीं जिते जिनस तुम तुमको ओडिया स्पष्ट भाव में कहे जहाँ भी तुम देखिपार सब कौन कह नाउन कह मनीष मो ना जहाँ अच्छी मत तुम मो ना को कौन कह नाउन कह बुझे ना नहीं पर्सन गला प्लेस कहले प्लेस कौ जगह मन कर कहगला तुम कौट अच तुम भाई देह खराब अच्छे तुम कौट हॉस्पिटल थी तुम पाठ पढ़ी आस मैंने कौटे थी कौ जगार थी स्कूल थी कड़े जबार अच्छी तुम कौटे थी बस स्टैंड थी छेंडी पदारे थी अनुगुल भुवनेश्वर थी दिल्ली रे थिवो बुझला एवला जते सब जगह जते जगह रो ना को मध्ये आमे कोन कहबा ना नाउन बोली कहबा को टाइप रो नाउन प्लेस से गुडा कोन कह जो प्लेस बोली कह जो जते प्लेस से गुडा को मध्ये कोन कहबा आमे नाउन बोली कहबा थिंग जिनिस थिंग कहले कार बस ट्रक कार बस बुक कैट एनिमल भी या भितर जीवे कैट डॉग बाइक ट्री यू गुड़ाक जिते जहाँ को तुम देखिपार मार्कर बोर्ड एगुड़ाक कौन कह जिनस कहते जिनस तुम देखिपार तुम कौन कहपर नाउन कह बुझेला ना नहीं नाउन ओडिया कौन विशेष्य पद विशेष्य नाउन को आम ओडिया कौन कह जाए विशेष्य कह जाए जिते सब ना को आम कौन कह नाउन बोली कह गोटे सेन्टेन्स इंग्लीश में कौन कह नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन ताको आम जब सजा टे जमीक आम सपोज जतरा देखापी जाती कि बाहर को कार जाती सजे पूरा पैंट सार्ट जूता सब प्रकार डिओ सब लगे जाती ठीक से भाया सजा होगी बाहर बाईट या सजे नहीं लिखा जाए बुझेगा नर्माली आम कौन कहीपर ना नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन कहीपर जेकोसी जिनस को आम देखिपर जी समस्त समस्त ना को आम कौन कह नाउन बोली कह तेणु युवा सब कौन कह नाउन कह जाए इवेंट मैंने जिनकी तुम फंक्शन किसी हो स्पोर्ट्स हो ये सब जिनस गुड़ाक आम कौन कह इवेंट कहवा
quality कौन को कहा जीव kindness किसी दया देखेबा सचोटता यही सब गुड़ाक कौन कह क्वालिटी कह क्वालिटी अंडर में यही सब नाउन गुड़ाक आसे क्वालिटी गुड़ाक जो सब इमोशंस इमोशंस इमोशन क्या को ना दुख खुशी हस भय यू इमोशन गुड़ाक कह नाउन बोली कह को ना फियर सैडनेस जॉय सरो ये सब वर्ड गुड़ाक युड़ाक जो गुड़ाक रे मनर भाव को जी प्रकाश करुड़ाक इमोशन गुड़ाक आम कौन कह नाउन कहवा ताले नाउन को समस्ते बुझिपार ना किए बुझिपारे तेणु यही जिते सब अच्छा युड़िकर ना को आम कौन कह नाउन कह ओके तेणु मत समस्ते पचास टी लिखाए पचासटा नाउन लिखिकी मत पठेब सबु ग्रुप्र बाहर करसईकी पचासटा नाउन मिसेक पठेब तुम स्टार्ट करदेव हरि गोपाल जैक जन तुम ना तुम गाँव में जिते सब पलठू मंटू टैंचू जिते सब ना अच्छे सब गुड़ाक लिखिकी ना पठेदेव से भाया ना एका टाइप रुह बुझा ना सबुथ्रु मिसेक तुम्हें मिसेक मत लिखिक पठेब पचासटा नाउन लिखिक पठेब ये केवल कौन सी पर्टिकुलर क्लास नुह सबु क्लास पिला ए वीडियो को देखिपारे एवं फंडामेंटल्स विषय जानपर इंग्लिश ग्रामर फंडामेंटल्स बा प्रथम क्लास रु जोड़ू स्टार्ट करने कथा इंग्लिश ग्रामर को जोड़ू स्टार्ट करने कथा आज हेटू स्टार्ट करा जाऊँगी ए वीडियो रु स्टार्ट करा जाऊँगी तेणु समस्ते गोटे गोटे कर वीडियो प्रत्येक पार्ट देखी देखी चलो एवं इंग्लिश ग्रामर समस्त क्लीअर होके बुझेगा तेणु नाउन विषय समस्ते जान लो नेक्स्ट क्या आम प्रोनाउन विषय देखा ताले प्रोनाउन क्या कह ना द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन समस्ते या लिख ल मु लिभौजी या बुझेगा क्या आम नाउन कहती ना सॉरी प्रोनाउन क्या कहती नाउन जगार बा नाउन बदल आम जहाँ व्यवहार करवा यूज करवा आम प्रोनाउन कह लिखा आम सजेक ये द वर्ड used in place of noun is called pronoun जो वर्ड गुड़िक नाउन बदल में व्यवहार करा जाए ताको आमे प्रोनाउन कहबा जेंकि सहज भाषा कहबा तुम घर को जदि निमंत्रण कार्ड दिया जाय जी ताहले तुम नग तुम बापा नगले भी तुमको पठाई दिखती पैसा देकी जा व्यवहार दे दे कि बुझे ना ना तुम घरे जी झाड़ू करे बा तुम जी सेवाकार करे लुगा सफा करे कि तुम गाँ नाचे जी बैद बजाए ताकू तुम पठेकि से भारटा दे दे कि आसपार कि व्यवहार दे दे कि आसपार कि ना से निश्चित भाव माइंड कर ठीक से भाया आम नाउन जगार प्रोनाउन को व्यवहार कर पारा बुझेगा कि ना तुम बापा जदि जापार ना तुम्हें और तुम माँ मिसिकी जा व्यवहार देक आसपार तुम भाई और तुम्हें जाकि मिसिक व्यवहार देक आसपार ठीक से भाया नाउन जदि जापारे आम कौ क्या पठेवा प्रोनाउन को पठेवा बुझेगा ना से भाया प्रोनाउन यूज किए किए ना कौ गुड़ाक आम प्रोनाउन को कहवा आई वी यू हि सी दे Us, his, her, they are. एगुड़ा को आम सब कौन कह प्रोनाउन कह टर्म गुड़ा को कौन कह प्रोनाउन कह बुझेगा समस्त तेणु युड़ाक नाउन जगार आम क्या व्यवहार कर पारा प्रोनाउन को आम व्यवहार कर पारा बुझेला तेणु आर्जेक्टिव नेक्स्ट अच्छी कौन आर्जेक्टिव आम आर्जेक्टिव क्या कह मनकर कौन सी जगह को जड़े ऑफिसर आसी अफिसर
ସେଇ ଜାଗାରେ ରେଡ଼୍ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତୁମର ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଲେକ୍ଟର ଆସିକି ନିଜେ ଆସିକି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରକୁ କହିବେ କି ଯେ ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ଆସି ଚେକ୍ କରିବି? ନାହିଁ। କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବତେଇବ କିଏ? ନା କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଡିଲିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବା ପିଓନ ଯଦି କିଏ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ସିଏ ଯାଇକି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରକୁ କହିବ ଯେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅମକ, ସିଏ ସ୍କୁଲର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାମାନେ କଲେକ୍ଟର ବୋଲି ସିଏ କିଏ ବତେଇଲା? ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ଡିଲିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପିଓନ ବତେଇଲା। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କିଏ ବତେଇଲା? ଏଇ ଡିଲିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପିଓନ ବତେଇଲା। ତେଣୁ ଏଇ ପିଓନ କିମ୍ବା ଡିଲିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ ବୋଲି କହିବା। ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ ବୋଲି କହିବା। ଏଇ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ ବା ଏଇ ଡିଲିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଏଇ ପିଓନ କାହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଥାଏ? ନାଉନ ବିଷୟରେ। ତାମାନେ ନାଉନ ହେଲା ଯଦି କଲେକ୍ଟର, ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ ହେଲା ତାର ପିଓନ। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ ହେଲା କାହାର? ନାଉନର ପିଓନ। ତେଣୁ ଏଇ ନାଉନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ କିଏ ଦେବ? ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ ଦେବ, ହେଲା। ତେଣୁ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ୟାକୁ? ନା ଦ ୱାର୍ଡ଼, ୟାକୁ ମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭର ଡେଫିନେସନ ଲେଖିପାରିବା, ଦ ୱାର୍ଡ଼ ଦାଟ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ସ, ଦ ୱାର୍ଡ଼ ଦାଟ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ସ ଏ ନାଉନ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ପ୍ରୋନାଉନ, ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ। ଦ ୱାର୍ଡ଼ ଦାଟ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ସ ଏ ନାଉନ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ। ଯିଏ ନାଉନକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରେ ବା ନାଉନ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଦିଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନା ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ କହିବା। ମନେକର ମୁଁ ଲେଖିଲି ହି ଇଜ୍, ହି ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାଟ୍ ବୟ, ହି ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାଟ୍ ବୟ। ଏଇଟା କିଏ ନାଉନ୍ ହେଇଛି? ବୟ। ବୟକୁ ବା ଏଇ ବାଳକଟିକୁ ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ କିଏ ଦେଉଛି? ଏଇ ଫ୍ୟାଟ୍ ଦେଉଛି। କିଏ ଦେଉଛି? ଏଇ ଫ୍ୟାଟ୍ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଫ୍ୟାଟ୍କୁ ଏଇଠି କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ କୁହାଯିବ। ଫ୍ୟାଟ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ କୁହାଯିବ। ତାମାନେ ଏଇ ବୟ ହେଉଛି, ଆମେ କ'ଣ ବୟକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନାଉନ୍ ବୋଲି କହିବା। ନାଉନ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ କିଏ ଦେଉଛି? ଏଇ ଫ୍ୟାଟ୍ ଦେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବାଳକଡ଼ି ମୋଟା ଅଛି କିମ୍ବା ପତଳା ଅଛି କିମ୍ବା ଗୋରା ଅଛି କିମ୍ବା କଳା ଅଛି କିମ୍ବା ଡେଙ୍ଗା ଅଛି, ତା ବିଷୟରେ କିଏ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଉଛି? ଏଇ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ ଦେଉଛି। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଏଇ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ, ଏଇ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ ଏଇ ବୟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଉଛି। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ କୁହାଯିବ। ୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ନାଉନ୍ ବିଷୟରେ ଯେ ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଦିଏ। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବି? ନା ହି ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ହାଉସ, ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହାଉସଟା ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ, ହାଉସକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ନାଉନ୍ କୁହାଯିବ। ଏଠୁ ବୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ନାଉନ୍ କୁହାଯିବ। ବୟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ କିଏ ଦେଲା? ଫ୍ୟାଟ୍ ଦେଲା। ଫ୍ୟାଟ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନା ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ କହିବା। ଏଇଟା ହାଉସ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ କିଏ ଦେଉଛି? ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ କହିବା। ବୁଝିହେଉଛି ନା ବୁଝିହେଉନି? ତେଣୁ ଯିଏ ନାଉନ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଥାଏ ସେଇ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ କହିଥାଉ। ମନେକର ମୁଁ କହିଥାନ୍ତା ଆଡ଼େ ହି ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ହାଉସ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘରେ ସିଏ ରହୁଛି, ସ୍ମଲ୍। ତେଣୁ ଏଠି ହାଉସ ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ ସ୍ମଲ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ସ୍ମଲ୍କୁ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା? ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ 50ଟା ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ ଲେଖିକି ପଠାଇବ, ସମସ୍ତେ 50ଟା ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ ଲେଖିକି ପଠାଇବ। ବୁଝିହେଲା? ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ 50ଟା ମୋର ଦରକାର, ସବୁ ପିଲା ଲେଖିକି ପଠାଇବା ଦରକାର, ତାମାନେ ମୁଁ ଜାଣିବି ତୁମେ ବୁଝିଲ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ସକୁ। ନାଉନ୍ 50ଟା, ପ୍ରୋନାଉନ୍ 10ଟା, ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ 50ଟା ଲେଖିକି ମୋତେ ପଠାଇବ ସମସ୍ତେ। ବୁଝିହେଲା? ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ 50 ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ, କ୍ଲିଅର? ନେକ୍ସଟ ଆମେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବା? ନା ଭର୍ବ ପାଖକୁ ଯିବା। ବୁଝିହେଲା? ଏକୁଲି ବହୁଛି ପିଲେ, ଭର୍ବ ପାଖକୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ଭର୍ବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଭର୍ବର ଓଡ଼ିଆ ହେଲା କ୍ରିୟା। ଭର୍ବର ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ? କ୍ରିୟା। ଦେଖ, ନାଉନ୍ର ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ? ବିଶେଷ୍ୟ। ପ୍ରୋନାଉନ୍ର ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ? ସର୍ବନାମ। ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭର ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ? ବିଶେଷଣ। ବୁଝିହେଲା?
ଭର୍ବର ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ କ୍ରିୟା, ବୁଝିଲା? ଭର୍ବର ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ କ୍ରିୟା, ତେଣୁ କ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ଭର୍ବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ଭର୍ବ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ହେଲା, କିମ୍ବା ଭର୍ବ ଇଜ୍ ଏ ଡୁଇଂ ୱାର୍ଡ଼। ଯେଉଁ କାମଟା ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେକୌଣସି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାମଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ଭର୍ବ ବୋଲି କହିଥାଉ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି, ପାଠ ପଢ଼େଇବା ହେଉଛି କାମ ଏଇଠି, ତେଣୁ ସେଇ କାମକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଭର୍ବ କହିବା। ଟିଚ୍, ଟିଚ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଭର୍ବ କହିବା, ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ? ଏଇଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ଟିଚ୍, ଲିଭ୍ ହେଉଛି ଆକୁ, ହେଲା। ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଭର୍ବକୁ, ଭର୍ବ ଇଜ୍ ଏ ୱାର୍ଡ଼, ଭର୍ବ ଇଜ୍ ଏ ୱାର୍ଡ଼ ଦାଟ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ସ, ଦାଟ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ସ ଆନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଆନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଅର୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ, ବୁଝିଲା? କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟୁଛି କିମ୍ବା କୌଣସି କାମ କରାଯାଉଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି, କୌଣସି ସିଚୁଏସନ୍ ବିଷୟରେ ବତାଯାଉଛି, କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବତାଯାଉଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଭର୍ବ କହିବା। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବା ଯଦି କେଉଁଭଳିଆ, ତୁମେ ଯେକୌଣସି କାମ କରୁଛ ସେଇ କାମର ନାଁଟାକୁ ଆମେ, କାମଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଭର୍ବ କହିବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ନେବା, ମୁଁ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛି, ପଢ଼ଉଛି, ତେଣୁ ଟିଚ୍, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ପଢ଼ୁଛ, ରିଡ୍ ଲେଖିପାରିବ, ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣିବା କାମଟା କରୁଛ ନା ନାହିଁ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ଲିସିନ୍, ବୁଝାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଲେଖିବା କାମଟା କରୁଛ ନା ନାହିଁ, ତେଣୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ରାଇଟ୍। ବସିବା କାମଟା କରୁଛ ନା ନାହିଁ, ବସିକି ଲେଖୁଛ, ତେଣୁ ବସିବା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାମ, ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ସିଟ୍, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ଦେଖୁଛ ନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦେଖିବା କାମଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛ, ତେଣୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ୱାଚ୍। ବୁଝିପାରିଲ ମୋ କଥା? ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ କରାଯାଉଛି, ସେଇ କାମ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଭର୍ବ ବୋଲି କହିବା, ହେଲା। ଭର୍ବ ଇଜ୍ ଏ ଡୁଇଂ ୱାର୍ଡ଼ ବା ଭର୍ବ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ୱାର୍ଡ଼, ବୁଝିଲା? ଯେଉଁ କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆସିବା, ଯିବା, ଖେଳିବା, ନାଚିବା, ଖାଇବା, ଗାଇବା, ଏଇସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ, ଭର୍ବ ବୋଲି ଏଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାଯାଏ, ବୁଝାଉଛି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାରରେ ଭର୍ବ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ଟେ ପ୍ଲେ କରେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଲ୍ଟେ ପ୍ଲେ କରେ, ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଲ୍ଟେ ନିଭାଏ, ଇଏ ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ତେଣୁ ୟାକୁ ଭଲରେ ଯଦି ବୁଝିବ, ୟା ପରେ ଭର୍ବ ଆଉ ନାଉନ୍ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲରେ ବୁଝିବ, ଭର୍ବକୁ ବେସିକାଲି, ଭର୍ବ ଆଉ ନାଉନ୍, ତାହେଲେ ତୁମେ ଇଂଲିଶର 50-60% ଖତମ କରିଦେବ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ପୁରା 50% ତୁମେ ୟାକୁ ଖତମ କଲ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯଦି ଭର୍ବକୁ ଭଲସେ ବୁଝିକି ୟାକୁ ଠିକ୍ସେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ, ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ଜାଗାରେ କରିପାରିବ, ବୁଝାଉଛି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ ଭର୍ବ ବୋଲି କହିବା। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ କ'ଣ ଅଛି, ଆଡ଼ଭର୍ବ, ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଭର୍ବର ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ, କ୍ରିୟା। ଆଡ଼ଭର୍ବର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି କ'ଣ, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ଆଡ଼ଭର୍ବର ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ଲିଭଉଛି ୟାକୁ, ଯାହା ବି ସବୁ ଲେଖୁଛି ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପଜ୍ କରିକି ଲେଖି ଲେଖିକି ଚାଲ, ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି, ଇୟରଫୋନ୍ ଲଗେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଶୋଇପଡ଼ନି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, ଦେଖିବା ସହିତ ତୁମ ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖ, କ୍ଲିଅର? ତେଣୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କାହା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ଆଡ଼ଭର୍ବ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆଡ଼ଭର୍ବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ, ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ କାହାକୁ ଆଡ଼ଭର୍ବ କହିବା, ନା ଯିଏ ଭର୍ବ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥାଏ, ତା ସହିତ ଆଡ଼ଭର୍ବ ମଧ୍ୟ କାହା ବିଷୟରେ, ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥାଏ, ଅଲସୋ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ବ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥାଏ, ବୁଝାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଆଡ଼ଭର୍ବ କାମ କ'ଣ, ନା ଭର୍ବ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବ, କିମ୍ବା ସେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବ, କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ବ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବ, ବୁଝିହେଲା ମୋ କଥା? ତେଣୁ ୟାର କାମ କ'ଣ, ବେସିକାଲି ନର୍ମାଲି ୟାର ମୁଖ୍ୟ କାମ କ'ଣ, ନା ଏ ଭର୍ବ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥାଏ, ତୁମେ ଏତିକି ହିଁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ ସଜେଇକି ଲେଖିବା କ'ଣ, ନା ଦ ୱାର୍ଡ଼ ଦାଟ୍ ଆଡ଼ ମୋର ଇନଫର୍ମେସନ୍
अबाउट ए वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब जे कोनोसी वर्ड वर्ब विषय अधिक इनफॉरमेशन दउथिबो किबा एडजेक्टिव विषय अधिक इनफॉरमेशन दउथिबो किबा आउटे एडवर्ब विषय अधिक इनफॉरमेशन दउथिबो ताहाले ताको आमे कोन कहिबा ना एडवर्ब कहिबा मु बारंबार कहूँ वर्तमान भी कहूँ आज क्लास हूँ फंडामेंटल क्लास तेणु ओवरऑल आइडिया तुमको इंग्लिश ग्रामर उपर टिके टिके दउछि बुझला ता विषय पुनी डिटेल्स रे तुम ग्रामर जतेबेले स्टार्ट करबा बही रो सब ग्रामर सब तार गुटे गुटे डिटेल्स रे चैप्टर आसीबो बुझला ने नाउन विषय एलाबोरेट करके पढ़ा प्रोनाउन विषय में पढ़ा से भर्ब एडवर्ब समस्त विषय भितर को पशि पशिक पढ़ा केवल तुमको लेआउट आज देखो आम क्या क्या विषय में पढ़ा इंग्लीश ग्रामर में बुझे ना नहीं केवल इंट्रोडक्शन क्लास आज ओके तेणु एडवर्ब मन कर मुझे एग्जांपल ने ली ही रन्स फास्ट से बहुत जोर रे दौड़े तेणु ये दौड़ा विषय अधिक इनफर्मेसन किए दौर ये फास्ट दौर सीए दौड़ जो दौड़ा कमटा शीघ्र शीघ्र हो दौड़ा कमटा स्लोली हो बुझे ना नहीं आम कौन कह ये डिस्क्राइब करूँ आम कौन कह एडवर्ब कह स्लोली रैपिडली बैडली एटसेट्रा यही सब गुड़ाक आम कौन कहीपर आडभर्व कहीपर बुझे ना नहीं तेणु यहाँ विषय सब डिटेल्स अच्छी तुम ग्रामर बहि ता विषय से तार चैप्टर को आसवा आडभर्व चैप्टर को आसवा से तुम्हें भले बुझीपर आए क्लारिफिकेसन ता विषय आसपार बुझेगा तापर किए अच्छे प्रिपोजिशन अच्छी आम प्रिपोजिशन क्या कह प्रिपोजिशन गोटे इंपोर्टाट चैप्टर क्लास टेन्थ रही आम लाइफ सब दरकार हुए जदि इंग्लीश नॉलेज टेस्ट करा जाए ताले प्रिपोजिशन पचारिकी मध्ये जनकर नॉलेज को टेस्ट करा जाए परिबो बुझो जना नै तेनो जनको जदि पकेबार अछि ताले तमे प्रिपोजिशन पचारिकी मध्ये ताउ पके परिबो बुझला तेनो मे भी भूल कर दे परे प्रिपोजिशन यूज कला बेले तेनो प्रिपोजिशन का को कहा जाए ताले को बेले लिख परि ए प्रिपोजिशन is a word that describes the relation of a noun with some other part some other word of a sentence preposition am kaha koiba je noun sahita gote bakya re thiba noun sahita au gote word ro relation ku batei paribo noun sahita au gote word ro relation ku batei paribo taku ami kon kahiba preposition kahiba एग्जांपल देखिबो जदि को गुडा को प्रिपोजिशन को आ जाउ जी एट इन ऑन आफ्टर बिफोर अबव अंडर ओवर बिलो ए गुडा को सब कोन कहा जाउ जी ना प्रिपोजिशन कहा जाउ जी ताले कौन ये प्रिपोजिशन कौन रिलेशन बताऊँ गोटे नाउन सहित बाकी अलग नाउन विषय मनकर मुझे कहली द मार्कर इज ऑन द टेबल गोटे टेबुल मार्करटा रखी बुझेगा ना सेकेंड सेंटेन्स कहली प्रथम सेंटेन्स कौन कहली द मार्कर इज ऑन द टेबल सेकेंड सेंटेन्स कौन कहली द मार्कर इज under
द टेबुल, द मार्कर इज अंडर द टेबुल सेकेंड सेंटेंस मुझे कहली। तेणु फास्ट सेन्टेन्स आउ सेकेंड सेन्टेन्स रिलेसन कौन हो ना, फास्ट सेन्टेन्स अनुजाई टेबुल जदि ये हूँ मार्कर ये अच्छे, सेकेंड सेन्टेन्स अनुजाई कौन टेबुल जदि ये हूँ मार्कर ता तले अच्छे, बुझे ना। सब तो सेन्टेन्स सामान अच्छे सब वार्ड, केवल गोटे वार्ड चेंज होटे अन् ये क्या लिखा जाए अंडर को लिखा जाए, अन् ये क्या लिखा जाए अंडर लिखा जाए। तेणु तक पोजिशन विषय रिलेसन विषय किए बताऊँच ये प्रिपोजिशन बताऊँच, यही गुड़ाक सब कौन कह जाए प्रिपोजिशन कहुए थे, बुझेगा समस्त समस्त मन रहा। तेणु प्रिपोजिशन तुम्हें पंद्रटा लिखिकी मत पठेब जो प्रिपोजिशन कौ गुड़ाक सब कहुए, पंद्रटा प्रिपोजिशन लिखिकी समस्त पठेब। नेक्स्ट अच्छी कौन कंजक्शन, कंजक्शन कौन काम करें ना दुईटा वार्ड कि दुईटा सेन्टेन्स को जोड़े सी साय्य कर कंजक्शन करो काम कौन ना दुईटा वार्ड कि दुईटा सेन्टेन्स को से जोड़ मन कर ये कंजक्शन आपको कौन लिखिपर द वार्ड दैट जॉइंस वर्ड्स और सेन्टेन्सेस is called conjunction. The word that joins words or sentences is called conjunction. जिनके example जो दिमु देली कहा को कहा जीवो ना end को कहा जीवो or को कहा जीवो but को कहा जीवो ना नहीं आप कहा को कहा जीवो ना फॉर को मध्य को हाजिबो आइदर और को मध्य को हाजिबो आइदर और तमा नाइदर नॉर को मध्य को हाजिबो, एई सब गुडा को कोन को हाजिबो ना कंजक्शन को हाजिबो। कोन कहिला कंजक्शन रे काम ना दुईटा वर्ड वर्ड गुडी को किमा सेंटेंस को जोडीबा को कोन को हाजे कंजक्शन जोडीबा रे सहाय्य करथे। मु कोन कहिली जैक एंड जॉन played chess, Jack and John played chess, बुझला ना। तेणु ये दुईटा वार्ड के जैक गोटे हूँ वार्ड जॉन हूँ गोटे वार्ड, जैक गोटे वार्ड आउ जॉन हूँ वार्ड, यही दुईटा वार्ड को जोड़ी किए एंड एंड हूँ कौन कंजक्शन, बुझला ना ये एंड हूँ कौन कंजक्शन। तेणु ये कौन कला दुईटा वार्ड को सी जोड़ा किए ए कंजक्शन डा दुईटा वार्ड को जोड़ा। तेणु या कहुए प्रिपोजिशन को कौन कह जाए ओडिया रे अव्यय पद कहुए, प्रिपोजिशन को ओडिया रे अव्यय पद कहुए, या कंजक्शन को कौन कह जाए संयोजक अव्यय पद कहुए, कंजक्शन को ओडिया रे कौन कह जाए संयोजक अव्यय पद कहुए, बुझेगा। मनकर मु आ गोटे एग्जांपल नेली आई एम हंग्री but the fridge is empty, mu bhokila achi kintu fridge khali achi, ta mane mu bhoko koruji mote mu fridge jete bela jaiki kholili fridge bitre kichhi jinso nahila, bujhela। tenu eti dui ta sentence hoji ki I am hungry gote aa gote ki hoji the fridge is empty hoji gote, ये हूँ गोटे सेंटेंस ये हूँ गोटे सेंटेंस ए मैंने दुईटा सेंटेंस या जोड़ी किए बट जोड़ी ये दुईटा सेंटेंस को मिसेजी किए बट मिसेजी तमें आम जापारे जे दुईटा वार्ड वार्ड कि सेंटेंस को किए जोड़ी थाए कंजक्शन जोड़ी थाए, ये हूँ दुईटा वार्ड को ये जोड़ी सी दुईटा सेन्टेन्स को ये जोड़ी सी, बुझे ना ना। तेणु या कौन कहगला कंजक्शन कहगला, या कौन कहगला कंजक्शन कहगला, ओके। तेणु या कौन कह जाए ओडिया रे संयोजक अव्यय पद, संयोजक अव्यय पद। लास्ट वन तुम कौन इंटरजेक्शन, या लिखिनि स्क्रीन पज कर एवं या लिखिनि तेणु लास्ट आम कौन पढ़ा इंटरजेक्शन विषय पढ़ा इंटरजेक्शन।
इंटरजेक्शन रो डेफिनेशन हम जदी लिखिबा ताले कोबळ लिखि परबा द वर्ड दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द वर्ड दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। तुम हठात कौन सी जिनस को देखिकी तुम जो किसी एक्सप्रेसन बाहर तेल से ही एक्सप्रेसन टा कौन कह इंटरजेक्शन कह यार एग्जांपल जदि तुम देख कौन ना ओ एलास हुरे ओके आउ मध्य कौन हो पार आउच हे एगुड़ा सब कौन कह इंटरजेक्शन कह आलास हुरे आ आउच हे एटसेट्रा एगुड़ा सब कौन कह सडन तुम कौन सी जिनस को देखिकी जदि किसी तुम मनरे एक्सप्रेसन आसला तेल तुम कौन कह इंटरजेक्शन कह हैला मनकर आलास कोडे यूज होकर मनकर यह कहला आलास हिज फादर पास्ट आवे तुमको जो फोन कला कहला बापा ना तेणु तुम मनरे सडनली से फरेनर मानकर मनरे कौन गोटे एक्सप्रेसन आसे जे इंग्लीश रे ताको जदि आमे रिप्रेजेंट करबा से एक्सप्रेसन कौन आलास हिज फादर पास्ट आवे ता बापा ना बुझला ना दुख रे तमे कौन ना कहो आलास हुरे कोडे तमे यूज करो जो खुशी हो जाऊ सडनली कौ गोटे जिनस देखिए तुम खुशी गल लास्ट बल रहा पांच रन अच्छी जैक महेन्द्र सिंह धोनी कि विराट कोहली सिक्स मारे गोटे लास्ट बल तेणु तुम ये कौन कह हुरे वी हैव ओन द मैच हुरे वी हैव ओन द मैच तेणु कौन कह ओन द मैच हुरे वी ओन द मैच बुझेगा सडनली तुम देखिकी जो एक्सप्रेसनटा बाहर करुच ताको तुम कौन कह ना से भाला गोटे इंटरजेक्शन व्यवहार कर ना है हुरे बुझेगा मन कर कौन गोटे झुंटे हल तुम झुंटे हल बुझेगा ना हाँ आउज व्यवहार कल आउज इट इज वेरी पेनफुल आउज इट इज वेरी पेनफुल झुंटे कहला बहुत कष्ट दूस बुझेगा ना तेणु यही सब भाया आम कौटे व्यवहार करजेक्शन मानक आम व्यवहार कर क्लीअर मो कथा बुझिपाल तेणु ये तुम ओभरअल आईडिया अबाउट पार्टस अफ स्पीच विषय ये ओभरअल आईडिया था आठटा पार्ट रु आम सब वार्ड गुड़ाक आनी इंग्लीश जिते भी वार्ड व्यवहार करें से वार्ड गुड़ाक कौन कर ना ये आठटा पार्ट भितर कौन गोटे पार्ट रु ताको आम भाग कर बुझे ना ना तेणु से पार्ट मानक विषय से ग्रुप मानक विषय डिटेल्स तुमको बुझेली आशा करूँ तुम समस्ते बुझीपारी एवं नेक्स्ट आ गोटे दुईटा क्लास फंडामेंटल्स क्लास आम डिस्कसन इंग्लिश ग्रामर उपरे फंडामेंटल क्लास डिस्कसन कर सरपुर आम नेक्स्ट तापर प्रत्येक क्लास वाइज ग्रामर को एंट्री करवा क्लीअर बुझेगा तेणु आज क्लास कि आसूबा गोटे दुईटा तीन टा क्लास सबू क्लास इंपोर्टाट आ सब क्लास यो सब क्लास रिला यो को देखा दरकार ताकि फंडामेंटल्स से स्ट्रंग हो पार से आउट क्लीअरली बुझीपर या बुझे ना ना तेणु यहाँ कौन स्पेसीफिक नाइन्थ क्लास कि टेन्थ क्लास कि कौन स्पेसीफिक पाई नुह समस्त तेणु बर्तमान भी आम ग्रामर इंग्लीश ग्रामर सीरीज स्टार्ट है तेणु समस्ते आम सहित कनेक्ट हो प्रत्येक इंग्लीश ग्रामर प्रत्येक क्लास तुम समस्ते देखिपर ओके तेणु आम लाइफ आम चैनल को समस्ते सब्सक्राइब कर एवं आमर भिड जदि तुमको भल लगी तेल भिड को लाइक एंड शेयर कर Thank you. Lord Jagannath Academy, happy to help you for more queries. Contact us.